हेलो दोस्तों, मैं सतीश और आप देख रहे हो एवरीथिंग बाय एसके यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीएन एप्लीकेशन से वीडियो के बीच में वॉइस ओवर कैसे करते हैं। जैसे कि आपका 5 मिनट का वीडियो है और 2 मिनट इस तरफ से और 2 मिनट पीछे से, सही है, पर 1 मिनट का मिडिल पार्ट जो है, बीच का पार्ट, उसमें आपको फिर से वॉइस ओवर करना है, तो कैसे करोगे वीएन एप्लीकेशन से। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, फिर आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीएन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पर टच करना है। प्लस के आइकन पर टच करने के बाद में न्यू प्रोजेक्ट पर आपको टच करना है। न्यू प्रोजेक्ट पर जैसे ही टच करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब आपको उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आपको वॉइस ओवर करना है। तो मान लो आपका वीडियो 1 मिनट 20 सेकंड का है, तो वीडियो को हमने टच किया, यहां पे आपको दिखाई देगा ग्रीन कलर और ये वाला वीडियो आपको दिख जाएगा, और यहां तीर चिन्ह पे आपको एक बार टच कर देना है। जैसे ही तीर चिन्ह पे आप टच करोगे तो आपको 2 सेकंड के लिए टाइम लेगा और आपको टाइमलाइन पे ला के रख देगा। अब देखो, मान लो इस वीडियो में आवाज़ है, पर मैं चाहता हूँ यहाँ पे 32 सेकंड से लेकर यहाँ पे देखना टाइमिंग दिख रहा है, और ये वाला जो हैंडल है वो टाइमिंग का मेन चीज़ है, जो जिसे हम प्लेहेड कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से 32 सेकंड से लेकर के 48 सेकंड तक मैं दूसरी साउंड इसमें लगाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से फ्रेम को बढ़ा देना है, दोनों तरफ से उंगली पकड़ के और बाहर की तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये जूम आउट होगा, ठीक है। अब मान लो मुझे 30 सेकंड से लेकर 50 सेकंड तक दूसरी वॉइस इसमें ऐड करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 30 से 50 सेकंड के लिए आपको यहाँ पे, इसमें दो तरीका है। पहला, सबसे पहले आपको वीडियो को कट कर लेना है और फिर उसका वीडियो को साउंड बंद कर देना और फिर से रीवॉइस कर देना है। और दूसरा तरीका है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर दो। एक्सट्रैक्ट ऑडियो करने के बाद में आपका जो वीडियो का ऑडियो है वो यहाँ पे आ गया है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो 30 सेकंड है यहाँ तक ले जाके स्प्लाइट कर दो, यानी कट लगा दो। अब उसके बाद यहाँ से 50 सेकंड तक जाओ, 50 सेकंड तक भगाने के बाद में वीडियो को, ठीक है। यहाँ पे देखो 50 सेकंड, मैं थोड़े से जल्दी कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, 50 सेकंड के बाद में आपको फिर से एक कट लगाना है। यहाँ पे ले जाने के बाद में एक बार और कट लगाना है इस ऑडियो पे, वीडियो पे नहीं भाई साहब, ऑडियो पे। ऑडियो पे टच करो और स्प्लाइट कर दो। अब ये जो बीच का जो पार्ट है, ये देखो हमारा जो ऑडियो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। पहले तो हमने यहाँ से कट किया था और यहाँ से कट कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, टच कर दूंगा, डिलीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे वॉइस ओवर करना है ना, तो सबसे पहले जिस जगह से स्टार्ट करना है वहाँ पे लेके आओगे इस लाइन को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किसी भी जगह पे, खाली जगह पे आपको टच करना है। जैसे ही टच करोगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहाँ पे रिकॉर्ड के बटन पे टच करना है, और यहाँ पे आप एक बार टच कर दो, आपका जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा और फिर आप रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर टच किया, 3, 2, 1 एंड गो। अब देखो हम जो बोल रहे हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड हो रहा है, और यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है जिसकी मदद से आप देख सकते हो कितने सेकंड तक आपको रीवॉइस करना है। ओके, तो यहाँ पे भी टाइमिंग दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 40-45 सेकंड हो चुका है, और मैं चाहता हूँ 50 सेकंड तक हो जाए। तो 50 सेकंड तक जो भी मैं बोलूँगा वो यहाँ से रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके, और 50 सेकंड तक जाने के बाद मैं स्टॉप कर दूँगा। अब यहाँ से आप चाहो तो जो आपने अभी बोला है उससे यहाँ से सुन भी सकते हो, लेकिन नहीं सुनना है तो यहाँ पे राइट टिक कर दो, डायरेक्ट आपके फ़ोन में ये आ जाएगा, जो भी आपके टाइमलाइन पे आ जाएगा। अब इस तरीके से आप चाहो तो ये देख सकते हो आप, गो। अब देखो हम जो बोल रहे हैं वो सारे के सारे है ना, तो इस तरीके से आपका जो भी वॉइस ओवर करना है वीडियो के बीच में वो कर सकते हो। अब मान लो वीडियो का बीच में कुछ ऐसा पार्ट है जिसको आप बंद करना चाहते हो, तो वो कैसे करोगे। तो इसके लिए आपको एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से मैं अंडू कर दे रहा हूँ मल्टीपल टाइम। अब देखो मैं वीडियो के बीच में अंडू करना चाहता हूँ, मतलब वीडियो के बीच में जो साउंड है उसको बंद करना चाहता हूँ और वहाँ पर म्यूज़िक एड करना चाहता हूँ, तो कैसे कर सकता हूँ। देखो वीडियो का हमारा जो बैटरी है वो भी लो हो रहा है, ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो मैं अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको वीडियो के बीच को अगर आप करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको कट लगाना है, इस जगह तक आपको वो वीडियो को आपको बंद करना है, साउंड को वहां तक कट लगा देना है। और उसके बाद जो वीडियो है उस वीडियो को आपको यहां पे लेके आना है, उसके बाद वॉल्यूम के बटन पे टच करना है, इसको 0 कर देना है। अब वीडियो का जो साउंड है वो 0 हो जाएगा वीडियो के बीच वाले को, और यहाँ पर आप ऊपर की तरफ टच करोगे इस जगह पर ला करके, तो वहाँ पर म्यूजिक इफेक्ट जो भी लगाना चाहते हो लगा सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इस तरीके का वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।